आगामी त्यौहार नवरात्रि और दशहरे को लेकर बेटमा नगर में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर, ग्रामीण, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद, सीएमओ, बेटमा थाना प्रभारी सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में नवरात्रि और दशहरे में पुलिस और प्रशासन में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। शुक्रवार शाम बेटमा के एक निजी गार्डन में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक नवरात्रि और क्षेत्र के सबसे बड़े दशहरे जैसे बड़े पर्वों को लेकर रखी गई, जिसमें नवरात्रि के पांडालों में होने वाली व्यवस्था को लेकर नगर के गणमान्य व्यक्तियों से पुलिस और प्रशासन ने खुलकर चर्चा की। चर्चा में नागरिकों ने अपनी बात कही। वहीं ग्रामीण एसपी भगवंत सिंह वीरदे ने बैठक के दौरान कहा कि नवरात्रि के पांडालों में रात्रि के समय दो व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाए, जिसमें रात्रिकालीन होने वाली किसी अनहोनी से बचा जा सके। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। शहर में हम लोगों ने शांति समिति, नवदुर्गा उत्सव समिति, दशहरा उत्सव समिति के सदस्यों से चर्चा की है। 9 दिन जो है गरबा का आयोजन किया जाएगा। जहाँ जहाँ गरबा होगा वहाँ व्यवस्था और समिति के सदस्यों को बता दिया गया कैसी व्यवस्था होगी। बेटमा में ऐतिहासिक रूप से जो है दशहरा का समारोह होता है, तो उसमें तमाम सारी गतिविधियाँ होती हैं, घोड़ा दौड़ होता है, फायरिंग होती है और रोशनी वगैरह होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे चर्चा की क्या क्या प्रोग्राम है, ये हमने समझ लिया है और उसके मुताबिक हम लोग व्यवस्था लगा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।